हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ टू क्रिएटिव। तो आज मैं आपके सामने कुछ एसेंशियल ऑयल का रिव्यू लेके आ रही हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, अभी जो मैं सीरीज लेके आ रही हूँ पूरी हेयर केयर के ऊपर है। मैंने एंटी डैंड्रफ का बेस्ट प्रोडक्ट शो किया जो कि डैंड्रफ को हटाने में कारगर रहे। दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे ऑयल लेके आई थी जो ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल है, पर अगर आप उसका इस्तेमाल ना करके आप सिर्फ पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल पे जाना चाहें तो मेरे पास कुछ एक ऐसे एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे आपके स्किन के लिए, आपके हेयर केयर के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है लैंग लैंग ऑयल। ये लैंग लैंग ऑयल मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करते हुए आ रही हूँ। ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। मैंने जो ये ऑयल मंगवाया है वो कंपनी सोल फ्लावर कंपनी से है। ये ऑयल, ये 15 ml का प्रोडक्ट मैंने इसे मंगवाया है और ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में 390 rupees में मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड ऑयल रहता है इसीलिए ये इतना महंगा मिलता है। इस टाइप की बॉटल आपको देखने को मिलेगी, एम्बर कलर बॉटल रहती है ताकि इसमें कोई रिएक्शन ना हो। और उसी के साथ आपको एक ट्यूब मिलता है जिस ट्यूब की मदद से आप पर्टिकुलर अमाउंट में ये ऑयल आप निकाल के अपने हेयर पे यूज़ कर सके। इसके ये बेनिफिट्स रहते हैं कि ये आपके अगर ये आप हेयर में अप्लाई करते हैं तो ये एक शाइन लाता है आपके स्कैल्प में, ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। हमेशा अपना जो स्कैल्प रहता है वो हमेशा हाइड्रेटेड फील करता है और आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शाइन, बिल्कुल जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये एक एसेंशियल ऑयल है तो ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो कभी भी ऐसे ऑयल आपको डायरेक्टली स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ आप एक कैरियर ऑयल भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कैरियर ऑयल के लिए आप इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड ऑयल मेरे पास सेम कंपनी का रोजमेरी ऑयल है। ये आपके जो हेयर फॉलिकल रहता है उसको स्टिमुलेट करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, जिस वजह से आपके बॉडी में जो भी आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प तक पहुंचता है और आपके बाल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो आप इसका 4 drops ले सकते हैं। 4 drops आप लैंग लैंग ऑयल डालिए और उसमें विटामिन ई प्रॉपर्टीज़ के लिए आप यहाँ पर पतंजलि का मेरे पास है बादाम रोगन शिरीन ऑयल, जो कि 100% प्योर ऑयल है। आप इसे भी एज अ कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसकी 1 spoon आप इसमें ऐड करें और एट लास्ट द कैरियर ऑयल, जिसके लिए मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना अपने बालों में चालू किया है तब से मेरे बालों में आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बट ये जितना फ्रिजी रहा करता था उतना फ्रिजी भी नहीं रहता है। एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गई है और हेयर फॉल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो आप ये ऑयल बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े थोड़े ये जो जितने भी मैंने ये 2 products आपको एसेंशियल ऑयल के बताए हैं, आपको इसको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है क्योंकि बहुत कंसनट्रेटेड रहता है, और ज़्यादा आप कैरियर ऑयल का इस्तेमाल करें। और सिर्फ लगाने से बेनिफिट नहीं होता है, आपको अपनी डाइट भी अच्छे से मेंटेन करनी होगी। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट आप अपनी डेली रूटीन में खाएं जो कि आपके हेयर को मजबूत करने में हेल्प करे। जैसे कि आप ग्रीन टी पिएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो आपकी जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो रिड्यूस हो जाती है। एक आंवला या कुछ भी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी आपको हमेशा डेली इनटेक में लेना पड़ेगा, वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो आंवला किसी भी प्रकार में, या कैंडी हो या आंवला के मुरब्बे हो, आंवला अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, तो उसे आप कंज्यूम करें। जितना कंज्यूम करने से आपको फ़ायदा नज़र आएगा उतना ये सब ऑयल लगाने से आपको इतने बेनिफिट नज़र नहीं आएंगे जितना आप खाते हैं उससे मिलेगा। तो होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और अगर आप ऐसी ही हेयर केयर की सीरीज़ देखना पसंद करेंगे या स्किन केयर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ पाऊँ। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।